और साथ में आज मैं इस ब्लॉग में पेट्रोल जो है ना वो 5 रुपीज और 10 रुपीज में पेट्रोल पंप पे मैं लेने वाला। अच्छा, इनको बोलते हैं पेट्रोल चाहिए 5 रुपए का। तो हे गाइस, कैसे हो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है गोप्रो के साथ, और मुझे नहीं पता कि कौन कौन से सेटिंग पे आपको कैसा साउंड क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाता है। फाइनली मुझे जो भी पता था, मतलब नॉर्मली मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ अपने गोप्रो से। और सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले अपने ऑफिस में, और ऑफिस में जाने के बाद मुझे वहाँ पे देखता हूँ कि क्या रिएक्शन होता है ऑफिस टीम के साथ। और साथ में आज मैं इस ब्लॉग में पेट्रोल जो है ना वो 5 रुपीज और 10 रुपीज में पेट्रोल पंप पे मैं लेने वाला हूँ। देखता हूँ कि भाई मतलब वो 5 रुपीज और 10 रुपीज में देगा या नहीं देगा। फाइनली सबसे पहले मुझे ऑफिस निकलना होगा, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मैंने ऑफिस के ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया था कि भाई मुझे आज लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता। लेकिन फाइनली अगर मैं बताऊँ तो अभी मैं पूरी तरह से मतलब तैयार हो चुका हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको एक चीज़ दिखाना है, इसके लिए मुझे जाना होगा अपने किचन में। और साथ में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले एक मुझे फल देखने को मिला है, मेरे खेत से निकला था ये फल, और बहुत बड़ा सा फल है। मतलब देख सकते हो मेरा जो किचन का साइज है ना, मतलब उतना बड़ा, मतलब थोड़ा सा ही छोटे, मतलब अगर मैं इसको नापूं तो 1 बित्ता और 1 बित्ता, मतलब भाई लगभग 2 बित्ते का ये फल है। मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके बताना। फाइनली मैं जल्द से जल्द यार भाई मतलब निकलना है मुझे भाई ऑफिस में, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मैं ऐसे ही लेट हो चुका हूँ। मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया था, लेकिन कोई ना, ये अभी सबसे पहले मैं अपना रूम को लॉक कर देता हूँ। सो गाइस, तो फाइनली मेरा कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिलेगा, मतलब मेरे मिरर में आप देख सकते हो। फाइनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे ग्रुप में मैसेज आ चुका का यहाँ पे मैंने डाल दिया तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू मुकेश भाई, जो कि मतलब अच्छा हम बोरा बना देंगे। मैंने बोला था कि भाई मेरा बैग बना देने के लिए, तो मेरा बैग मुकेश भाई बना देंगे, थैंक यू मुकेश भाई। और भाई अब यहाँ पे मैं अपना जो भी सेटअप है भाई मैं लेकर के अब जा रहा हूँ भाई बाहर, मतलब मेरा जो बाहर है ना शेर खड़ा हुआ है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना, मतलब भाई मेरा बाहर शेर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले भाई गाड़ी स्टार्ट होगा, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं भाई अपना बाइक लेकर के, और मुझे नहीं पता कि कैसा आपको फर्स्ट टाइम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फाइनली मुझे तो जो मेरा व्यू है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा है। लेकिन फाइनली अगर मैं बताऊँ तो अपने घर से निकल चुके हैं, जल्दी जल्दी से मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे गाँव के आस पास के लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई क्या कर रहा है ये लड़का। मतलब भाई हेलमेट भी चेंज कर लिया, हेलमेट में क्या लगा लिया भाई, लेकिन कोई ना भाई, हमें तो भाई अपना काम करना है। फाइनली सब मुझे ही देख रहे हैं यार, जो भी है वो सब मुझे ही देख रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जिसको देखो वो मुझे ही देखेगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है। ब्रेकर आ गया गांव में, तो यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई सबसे बड़ा दिक्कत। कोई दिक्कत ना, गांव का सबसे बड़ा ये ब्रह्म जी है, आपको सही से नहीं दिखा पाए। अभी जब तक मैं नहीं निकल पाऊंगा तब तक भाई ब्रेकर ही ब्रेकर है, क्योंकि भाई गांव में तो पता ही है हर दरवाजे के सामने एक ब्रेकर होता है। जस्ट अभी ब्रेकर निकाला हूँ और थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ पे देखो सब वही देख रहा है कि लड़का कर क्या रहा है लड़का। अभी लगभग 3-4 ब्रेकर निकल गए हैं, फिर आगे जाते हैं अपने हाईवे पे, डायरेक्ट हाईवे पे मिलूंगा भाई। सो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने हाईवे पे, और यहाँ पे पहले दोनों साइड देखना होगा, क्योंकि भाई गाड़ी भले ही ना रहे लेकिन अपना नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन कोई ना, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने हाईवे पे, यहाँ पे हो रहा है मूत्राभिषेक, साथ में हम लोग अब निकलेंगे जल्दी जल्दी से। देखो भाई देखो, तुरंत यहाँ पे आ गया ना ट्रक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साउंड कैसा आपको देखने को मिलता है मुझे नहीं पता, गाड़ी अभी चल रहा है 80+ 82 85 के आसपास। जल्दी जल्दी भाई जल्दी से चलो, आज हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि 5 रुपए का पेट्रोल लेंगे, ठीक है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये हेलमेट में क्या लगा लिया है, क्या कर रहा है बंदा, क्योंकि गांव में कोई मोटो ब्लॉगिंग भी नहीं है यार, कोई मोटो ब्लॉगर भी नहीं है।
वही ना ब्लॉगिंग करता है ना ब्लॉगर है, कुछ नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। देख सकते हो मेरे गांव का सीन, चारों तरफ गाय भैंसी। मतलब भाई हम लोग तो यार किसान हैं, किसान क्या समझेगा कि भाई मोटो ब्लॉगर क्या होता है। जल्दी जल्दी से चलेंगे हम सब, और क्या कहे पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता कि आपको बैकग्राउंड में कैसा साउंड जा रहा है, कैसा नॉइज जा रहा है, क्या सही बात है कि नहीं है। फर्स्ट टाइम भाई मैं एक्साइटेड भी हूँ, ऑफिस में भी भाई पता नहीं सबको पता है या नहीं पता है, लेकिन कोई ना, मैं अभी लगभग कांटी पहुँचने वाला हूँ। अभी यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के पास सीटी बजाना अनिवार्य है। मैं तो यार बजा देता हूँ क्योंकि भाई मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुंदर लगता है जब मैं कोई भी मंदिर के पास से निकलता हूँ तो भाई सीटी बजा के जाता हूँ कि चलो भोले बाबा निकलते हैं, मेरा ख्याल रखना। जल्दी जल्दी से चलेंगे भाई, ठंड भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पेट्रोल पम्प के पास, देखते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ होने वाला है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं पेट्रोल देंगे भी या नहीं देंगे। जल्दी जल्दी से हम लोग पहुँच चुके हैं भाई, गाड़ी स्लो करना पड़ेगा इतनी। और अगर टर्न लेना है तो भाई सबसे पहले इंडिकेटर देख सकते हो, पहले इंडिकेटर दे देना ताकि पीछे पता चल सके। लेकिन भाई यहाँ पे क्या देख लो, बिना इंडिकेटर के ही जा रहा है गाड़ी, बिना इंडिकेटर के गाड़ी जा रहा है। हम लोग आ चुके हैं, जय हो। नहीं पता है, जय हो जय हो। जल्दी जल्दी से, अच्छा इनको बोलते हैं पेट्रोल चाहिए 5 रुपए का, मेरे पास 5 ही रुपया है, देखते हैं 5 रुपए का पेट्रोल मिलेगा कि नहीं। मिल जाएगा 5 रुपए का? नहीं मिलेगा। कितने का मिलेगा? कम से कम कितना रुपया? कम से कम 20 रुपए का। अच्छा ठीक है, कम से कम 20 रुपए का पेट्रोल लेना पड़ेगा। यहाँ 5 रुपए का मिलता नहीं है, लेकिन पता नहीं मिल सकता है 5 रुपए का, नहीं मिलेगा। एक मिनट, पैसा चला गया 150 रुपया, 150, 150। मेरा रोज का काम ही है 150, एक जगह 150, एक जगह 50। कोई ना कोई ना, हाँ 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 हाँ, जल्दी से। जय हनुमंत, हो गया कंफर्म। तो भाई फाइनली हो चुका है कंप्लीट, जल्दी जल्दी से रखो। पैसा पेटीएम से चला गया, पैसा चल गया। चलिए भाई पैसा, नहीं पता था यार पैसा का। देखो सब लोग एक्साइटेड है कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, मतलब तेल भी मिल गया, पैसा बाद में वो तो होता ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो 5 रुपये का पेट्रोल यहाँ से नहीं मिला, कम से कम 20 रुपये का पेट्रोल लेना पड़ेगा। सबसे पहले इंडिकेटर बंद करते हैं, और भाई हम लोग यहाँ से अभी 150 रुपये का तेल लिए हैं, क्योंकि भाई मुझे अभी और जगह एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई मुझे 5 रुपये का ही पेट्रोल चाहिए। अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ से भी 150 रुपये का पेट्रोल लेंगे, क्योंकि 5 रुपीज़, 150 रुपीज़, पता नहीं, हम या तो 150 रुपये का लेते हैं या 220 रुपये का लेते हैं या 510 रुपये का लेते हैं, मेरा ज़्यादातर यही चलता है 150, उससे कम शायद अभी नहीं लिए हैं कभी पेट्रोल, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी क्या एनिमेशन है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, मुझे वो भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि भाई
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाई मुझे तो एक ही चीज दिखाई देता है कि अगर कैमरे पे देखेंगे तो भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए कैमरा पे तो नहीं देख सकते। यहाँ देखो शीशा के अंदर से सब देख रहा है कि भाई यहाँ मोटो ब्लॉगर कौन है। भाई साहब कैमरा भी चालू है। भाई साहब जल्दी से निकलो, सब यहीं पे देख रहा है, इसीलिए तो भाई मैं अपना ब्लैक शीशा यूज कर रहा हूँ कि भाई मेरा फेस कोई ना देखे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। भाई यहाँ पे R1 वाला मेरा सीन देख रहा है कि भाई क्या सीन है यार, क्या बंदा है कि भाई जो भी गाड़ी है उसी से ब्लॉगिंग स्टार्ट। लेकिन कोई ना भाई, हो ना हो आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई कुछ भी हो सकता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कांटी, इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ होगा क्योंकि मॉर्निंग का समय है, 10 बज रहा है अभी लगभग। 10 तो नहीं बज रहा होगा लेकिन 9 बज रहा होगा। जल्दी जल्दी से चलो, फाइनली हम लोग अब क्रॉस करेंगे यहाँ से कांटी का थाना। यहाँ से सबसे पहले इंडिकेटर, और भाई साहब ब्रेकर तो भाई हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह ब्रेकर। भाई आप लोग ब्रेकर से परेशान होते हो या नहीं होते हो मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी से चलेंगे। यहाँ पे है नंद ऑयल मिल, जहाँ से मैं अपना सरसों का तेल है ना वो लेता हूँ, क्योंकि भाई ये मेरे अपने गांव का ही है और भाई अच्छा चीज़ मिलता है, मतलब क्वालिटी। यहाँ पे है कांटी थाना। साथ में अगर मैं बताऊँ मैं भी कहाँ था, नंद ऑयल मिल पे, तो वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है। मतलब पूरे कांटी का सबसे पॉपुलर जो ऑयल मिल है ना वो यही है, नंद ऑयल मिल, जो कि मेरे गांव का भी है, क्वालिटी भी है, इसीलिए बहुत भीड़ लगा रहता है दिन में। लेकिन कोई दिक्कत ना, हम लोग तो अभी आ चुके हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी से निकलता हूँ। और ये तो नॉर्मल सा रोड है, लेकिन अभी मैं इंटर करने वाला हूँ भाई NH 28 में, देखता हूँ क्या होता है। आपका फेवरेट बाइक कौन सा है मुझे कमेंट करके बताना। अभी तो फिलहाल मैं स्टार्ट किया हूँ अपने भाई ओल्ड बाइक से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ MT 15 लूँ। आप लोग गेस करके बताओ कि MT 15 में कौन सा कलर लेना चाहिए या मुझे कोई दूसरा ब्रांड की तरफ मूव करना चाहिए। फाइनली हम लोग अब लास्ट साइड में NH 28 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों साइड से गाड़ी चलता है, पता नहीं। अब अपने रूट में आ गए हैं, जल्दी से इंडिकेटर देख लो भाई। बाइक वाले भाई भी इंडिकेटर देखे ही अभी जा रहे हैं, हम भी इंडिकेटर दे दिए थे क्योंकि भाई इंडिकेटर प्रायोरिटी होता है, क्योंकि आसपास के जो भी पीछे है ना व्हीकल उसको पता रहता है कि हाँ ये व्हीकल किधर मूव करने वाला है। मेरा इंडिकेटर साइड मिरर भी वैसे ही है, दोनों साइड से सीन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, इधर से अब दिखाई दे रहा है, कोई ना, चलेंगे हम लोग जल्दी जल्दी से, क्योंकि भाई मेरा ऑफिस अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मैं लगभग अभी 8-9 किलोमीटर आ भी चुका हूँ। भाई बाइक चलता है ना 80+, बाइक का कुछ देखो मॉडिफिकेशन किस तरह कर लिए हैं, ठीक है, ताकि गाड़ी अगर 100 भी चले, 110 भी चले, हालांकि चलाता नहीं हूँ, मतलब ऐसे ही बोल दिया हूँ, तो भाई वाइब्रेट नहीं करता है बाइक, अभी नॉर्मल सा चलता है गाड़ी। भाई NH है ना, यहाँ पे 80 छूट है तो 80 तक जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से मुझे टर्न लेना पड़ेगा, पीछे से अपना देख लेते हैं, कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। इंडिकेटर दिए जल्दी से भाई, अरे ट्रक आ रहा है सामने से, चलो निकल भाई, जल्दी से निकल जाओ। टिचक हो रहा है यहाँ पे, कोई ना, हम लोग आ चुके हैं अपने इधर साइड, क्योंकि भाई मेरा जो ऑफिस है ना वो इधर ही है, देखते हैं क्या होता है। कुछ दिन तो भाई ऐसा ही कष्ट होगा, उसके बाद भाई पूरा सेटअप हो जाएगा कि कैसे, मतलब भाई हेलमेट को पोजीशन रखना है, कैसे कैमरा माउंट करना है, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम जितना भी आप वीडियो देखो लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, इसीलिए देखने और करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मैंने भी देख करके सोचा कि भाई मैं तो पूरा समझ गया, पूरा एकदम मास्टर बन गया, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। जब अपना हेलमेट में अपना कैमरा माउंट किया होना तब भाई मुझे पता चला कि भाई इसका पोजीशन कैसे पता चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत ना, फाइनली फर्स्ट टाइम है भाई, गलती सबसे होता है, देखना मुझे बताना कि क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए।
फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं अपने ऑफिस के पास, मात्र 100 मीटर की दूरी पे हैं। वहाँ पे देखेंगे कैसा एक्सपेरिमेंट है, क्या सब तैयारी हो रहा है। शायद आपको अभी तक डाउट होगा कि भाई कौन से ऑफिस है। यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा बाइक लगा हुआ है, मैं तो बाइक अपना ऊपर लेके जाऊँगा, ऊपर जगह होगा तभी तो ना भाई। ऊपर जगह तो नहीं है बाइक का, आपको अंधेरा लग रहा होगा, पूरा पूरी अंधेरा। तो भाई तो हम लोग यहाँ पे अपना बाइक लगा दिए हैं और भाई जा रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, पता चले 9:14 हो चुका है फाइनली यहाँ पे। ये रहा गुड मॉर्निंग। यहाँ पे काम धंधा सब चल रहा है, कोई ना अपना बैग रखते हैं यहाँ पे। GoPro आ गया, ये रहा रिएक्शन। वीडियो चालू है। सो गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने रूम पे और सबसे बड़ा मतलब बात ये है कि भाई मेरा क्या जो कैमरा है ना, वो भाई बहुत बड़ा भाग्य से बचाए, क्योंकि भाई मैंने कल आपको शूट कर रहा था, मतलब मैंने आपको ऑफिस में भी ले गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये मेरा हेलमेट है ना, यहाँ पे देख लो, मतलब सबसे पहले आपको हेलमेट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये रहा हेलमेट, लेकिन इसको भाई डैमेज हो चुका है, मतलब भाई गिर गया था। कैसे गिरा था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हेलमेट नहीं गिरा था, इसका जो माउंट है ना भाई, वो मतलब भाई निकल गया था। सबसे पहले यहाँ पे जो कैमरा है इसको मतलब सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं कैमरा को क्या करता हूँ, बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हेलमेट। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो ये माउंट है ना, आपको लग रहा होगा कि भाई सबसे अच्छे से मैंने लगा रखा है, तो भाई ये तो सही है कि भाई सबसे अच्छे से मैंने लगा रखा है, यहाँ पे भाई नहीं निकलने वाला। लेकिन भाई यहाँ पे जो है ना, ये सील और ये सील मैं आपको एक बार इस हेलमेट में से निकाल करके दिखाता हूं, मतलब इसको मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूं, तो भाई ये देखो इधर से ये निकल गया, और थोड़ा इधर से भी निकालता हूं। मतलब मैंने इसमें एमसील लगाया था, लेकिन भाई इसको भाई मैंने नहीं सोचा था कि इतना मतलब भाई जल्दी निकल जाएगा। फिलहाल अगर मैं बताऊं तो देखो ये रहा, ये ढका ढका करने लगा ना ये, तो भाई अगर मैं बताऊं ना तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई ये निकल जाएगा, और इसी के कारण मेरा जो ब्लॉगिंग है ना भाई रुक गया था। मतलब यहाँ पे देखो मैं अब निकाल दिया हूँ ये, और भाई साहब लो, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद ये मेरा निकल चुका है। यहाँ पे मैंने एमसील भी लगाया था, लेकिन ये एमसील काम नहीं किया, मतलब इतना एमसील काम नहीं किया, मुझे इसमें और ज़्यादा एमसील लगाना है। यहाँ पे ये पकड़ भी नहीं बनाया था। अब देखो भाई ये रहा, इतना भाई प्लेन है ना कि भाई इस पर एमसील भी नहीं चिपका। यहाँ पे ये रहा एमसील, और ये रहा भाई, मतलब इसीलिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ना तो ये रहा मेरा माउंट, ठीक है, यहाँ पे ये माउंट रहा, इसको माउंट को मैंने इसमें लगा दिया था, फिर मैंने थोड़ा ब्लॉगिंग भी किया। लेकिन जब भाई बाइक मूवमेंट करता है ना, तो ये थोड़ा सा हिल गया था, तो भाई फाइनली यहाँ से ये निकलने लगा, ढक्कर ढक्कर करने लगा, तो भाई मैंने सोचा कि चलो भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे ये रहा हेलमेट माउंट, और इसी के कारण भाई मैं यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाया। फाइनली अगर मैं बताऊँ तो मैं अब जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालूंगा, और मेरे भाई अगर मैं बताऊँ ना तो भाई मैं फिर से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे करना पड़ता है, क्या क्या इसमें भाई चीज़ें चाहिए, क्या क्या मतलब बताना पड़ता है। लेकिन फाइनली अगर मैं बताऊँ ना, तो आपको अगर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करता हूँ कि भाई सही से मतलब ब्लॉग बन सके। और साथ में अगर मैं बताऊँ, अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ भाई, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखो, ये रहा कैमरा माइक, और साथ में मैं यहाँ पे इस तरह से यार शूट करता हूँ, पता नहीं आपको आवाज़ जाता है या नहीं जाता है। मतलब ये जो माइक है ना, ये पीछे से साउंड कैप्चर नहीं करता। लेकिन फाइनली जो भी आपको लगे मुझे कमेंट करके बताना, जो भी आपको डाउट लगे वो भी मुझे बताना, क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए वो भी मुझे बता देना। फिलहाल भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय।